Yes, good morning, everyone. Online students, am I audible? Please confirm anyone. Thumbs up kijiyega jodi confirm hai. Okay, okay, Rian. I think Rian hai kahan pe? हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे बच्चों ऑपरेटर डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने बिटवाइज ऑपरेटर बताया था आपको उसमें दो चीजें छूट गई थी कि एक था लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्लियर है कोई दिक्कत बच्चों ठीक है ना लेफ्ट सिम ऑपरेटर से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग पॉसिबल हो तो ज्वाइन कर लेफ्ट सिम ऑपरेटर क्या होता है और राइट सिम ऑपरेटर क्या होता है ये देखेंगे हम लोग उसके अलावा एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपने सुना होगा जो बेसिकली आप सी सी प्लस में पढ़ते हो जावा में पढ़ते हो मोस्टली वही ऑपरेटर्स है यहाँ पे है ना बट कुछ बच्चे जो ऑलरेडी पढ़े होंगे उन्हें पता होगा जो बच्चे नहीं पढ़े होते उन्हें बताना जरूरी होता है इसीलिए बच्चों मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं उससे पहले एक काम करता हूं मैं अटेंडेंस सबका ले लेता हूं हां ताकि कंटिन्यू रखूं फिर क्लासेस बीच में डिस्टर्ब ना हो ठीक है जस्ट वन मिनट क्या कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में फोर का जो बाइनरी है बाइनरी प्रेजेंटेशन होगा उसमें जो भी जीरो होगा उसको चलो देख लो अच्छे से इसलिए देख लो कि ये आपको हर जगह काम आएगा ठीक है चाहे वो सी सी प्लस प्लस जावा कहीं भी काम आएगा तो मैं इसको बता देता हूँ अभी देखो आईटी पे ओपन कर लेता हूँ या तो मैं इसको स्मॉल छोटा भी कर सकता हूँ ताकि आपको दोनों विजिबल है ना इसको मैं छोटा भी कर देता हूँ इस विजिबल है आपको देखो गौर से देखो यहाँ पे कैसे काम करने वाला है जैसे हमने क्या लिखा था वाई इक्वल्स टू कितना लिखा था हमने फोर और हमने क्या किया यहाँ पे जेड क्या लिखा हमने जेड इक्वल्स टू वाई लेफ्ट शिफ्ट है ना ये और कितना टाइम्स वन टाइम्स किया चलो कुछ ऐसे समझो मान लो सपोज कि कुछ इस तरह से है आपने डेटा स्टोर किया कुछ इस तरह से स्टोर किया ठीक है इस फॉर्म में आपने डेटा स्टोर किया सपोज देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितना हो गया इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन हो गया ना अब इसी को मैं ऐसे करता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव या मैं छोटा भी ले सकता हूँ सिक्स सेवन एट चलो मैं छोटा ही ले गया शो करता हूँ ठीक है कितना है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब सही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सबसे पहले बताओ इस फोर को हम कैसे स्टोर करेंगे बाइनरी में डेटा कैसे स्टोर होगा फोर यानी वाई कैसे होगा यहाँ पे वाई किस फॉर्म में होगा देखो वन डबल जीरो होगा ये होगा ना अब देखो बाकी सारा क्या होगा जीरो 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 हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं वो भी कितना बिट शिफ्ट कर रहे हैं ये जो वन जो मैंने लिखा है ना ये एन का वैल्यू होता है कितना ये नंबर ऑफ बिट होता है क्या होता है नंबर ऑफ बिट मतलब कितना बिट हम उसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं अभी मैं कितना लिखा वन लिखा इट मीन्स वी आर गोइंग टू लेफ्ट शिफ्ट बाय वन बिट मतलब देखो होगा क्या गौर से देखो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा
ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, गौर से देखो, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, 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 ये यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब देखो यहां शिफ्ट हो जाएगा और फिर जो एक ये प्लेस वैकेंट होगा ना उसको हम जीरो से फिल कर देंगे। क्या कर देंगे? जीरो से फिल कर देंगे। होगा कुछ यूं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो एक काम मैं करता हूँ यहाँ पे इसको थोड़ा समय कट करता हूं। इसको थोड़ा सा जस्ट वन मिनट चलो देखते हैं, विजिबल है सबको? अब देखिए मैंने क्या बोला था, ये देखो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, सारे बिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे तो ये जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा या नहीं आएगा बताओ? यस सर। तो जीरो यहां पे आ गया, ये देखो ये यहां आ जाएगा, ये कितना जीरो हो गया, ये बिट यहां आ जाएगा, ये कितना हो गया वन, ये बिट यहां आएगा ये कितना हो जाएगा जीरो, ये बिट यहां आएगा ये कितना हो जाएगा जीरो, ये यहां आएगा क्या हो जाएगा जीरो, ये यहां आएगा ये क्या होगा जीरो, और ये तो बाहर क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, बाहर जाएगा डिस्कार्ड होगा। अब ये प्लेस क्या हो गया, ये प्लेस क्या हो गया बच्चों? तो यहां पे एक न्यू जीरो हम क्या करेंगे एंटर कर देंगे। Now you can see what is the value of this. What is the value of this? Eight. So this is now 8 and this was what? 4. ये 4 था और ये कितना हो गया आपका? 8 हो गया। समझ में आया? तो formula क्या? Shortcut अब पूछो, ये सर इतना हम हमेशा करना होगा क्या? नहीं, आपको बस simple रखना है। क्या रखना है देखो? Formula क्या होता पता है? Actually मान लो ऐसे formula होता है, जैसे मान लो कोई x है, कोई भी x value है, हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और कितना टाइम्स, ये n होता है नंबर ऑफ बिट्स, कितने टाइम्स करना है। सिंपल फॉर्मूला याद रखोगे पता है क्या, कि x x या जो भी है यहाँ पे जस्ट वन मिनट x इंटू टू रेस टू पावर n रखोगे। क्या रखोगे? टू रेस टू पावर, कोई दिक्कत? अब n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? वन बिट से किया टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू बिट से करेंगे तो टू रेस टू पावर फोर, फोर से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? Yes, कोई दिक्कत बच्चों? सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड। अब पूछोगे सर इसका यूज कहाँ है? यस है यूज, मैंने बोला ना प्लेसमेंट पेपर्स होंगे इस समय, शॉर्टकट क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही होंगे। अब आप देखो ये चीजें क्या है ना, जो करके देखा उसी के लिए आसान है ना, जो किया है उसी को आसान है, जो उसने किया ही नहीं कभी उसके लिए बनेगा कभी क्या? वो तो फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करेगा वहां पर। तो जब प्लेसमेंट पेपर्स या कोई एग्जाम्स होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे, इसका निकालो फाइंड करो, तुम क्या करोगे? बस यू फॉर्मूला से फाइंड कर लो, इतनी करने की जरूरत है क्या? नहीं, यही फायदा है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए सिमिलरली हम बात करते हैं। अभी देखो वरुण ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, जस्ट वन मिनट, सबको जो है यस वरुण यू कैन अनम्यूट। सर 4 को 100 कैसे लिखते हैं, मतलब कैसे लिखा जाता है इसको 4 को? यस सर, जैसे 4 था वहां पे तो फिर वहां पे लिखे 000 लिख के 100 लिखे ना, तो बस ये एक मिनट मुझे बताओ, इससे पहले कभी आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है डेसिमल टू बाइनरी? नहीं पढ़ा सर। ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप बिना नंबर सिस्टम के यहाँ पे आ गए, है ना? नंबर सिस्टम मतलब ये सर, सर पढ़े हैं लेकिन इतना डीपली ऐसे नहीं पढ़े हैं कि मतलब इस तरह से लिखा जाता है। देखो बाबू ये डीपली बिल्कुल भी नहीं है, और देखो मैंने जो है ना उस नंबर सिस्टम के हेल्प से आपको बताया कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे फाइंड करते हैं, डीपली कुछ भी नहीं है, बात है ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। शुरू से सुनते ना समझ में आ जाता। अब होता क्या, देखो होता क्या है यहाँ पे,
कि नंबर सिस्टम आप जानते हो तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने आता है, तो ये जो 4 हमने लिया था उसका बाइनरी में कितना होता है बताओ? 100। सी पढ़ा है आप लोगों ने? सी प्रोग्रामिंग, अरे वो क्लास हुआ है ना सी प्रोग्रामिंग, ये सारा उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई थिंक उसी का पार्ट है। कोई नहीं, ठीक है म्यूट कर लीजिए आप, नंबर सिस्टम रिवाइज कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो है ना ऑपरेटर्स में बता रहा हूँ, तो वो जावास्क्रिप्ट का टॉपिक हो या वो सी का हो, सी प्लस प्लस हो या जावा हो, सब में सेम ही प्रोसेसर है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में निकालोगे तो कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड So basically देखिए कोई डाउट इसमें एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट जिसको भी डाउट है वो नाउ आई एम ऑडिबल ओके यस रवि जिनको मैंने बोला था ना जिनको डाउट होगा वो हैंड रेज का ऑप्शन हैंड रेज कीजिएगा तब मैं अनम्यूट करूंगा क्योंकि बेवजह बच्चे जो है माइक ऑन करके घूमते रहते हैं तो इसमें डिस्टर्बेंस होता है। फोर का 100 डेसिमल को बाइनरी में चेंज करो तो क्या कितना होगा बताओ मुझे, कन्वर्ट करने जानते हो? कितने लोग जानते हो? नहीं जानते तो मैं बता दूंगा फिर। देखो यहां जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखोगे, मैंने ऑलरेडी एक चीज और मैं बता हिंट आप लोगों को बता देता हूं, अभी मैं जितने भी बैचेस एकेयू फर्स्ट बैच एकेयू सेकंड बैच पीपीयू फर्स्ट बैच सारे बैच में मैंने नंबर सिस्टम बताया है, सबके वीडियोस वहां पे अपलोडेड है, इवन कंप्लीट नंबर सिस्टम बताया है मैंने, तो 3 या 4 क्लास की वीडियोस है उसमें। ठीक है, यदि आप लोग समय मिले तो उसको एक बार देख लीजिए आपके काम का होगा। ठीक है, कोई इशू? इसका यूज आपको आर्किटेक्चर में पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट में पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जिसको जो जानते हो बना के दिखाओ मुझे, तो 8 का या 9 का बताओ मुझे कितना होगा नंबर सिस्टम में।
हाँ बच्चों कोई डाउट इसमें? सिंपल तरीका है क्या करना है, देखो यहाँ पे अभी नाइन बोला था मैंने, नाइन का क्या करना है आपको, टू से डिवाइड करोगे है ना, टू से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, टू 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 जा फोर या टू फोर जा एट, ऐसे होगा। तो टू फोर जा एट करोगे तो फोर क्या है, कोसेंट है, कोसेंट को कहाँ लिखना है आपको, नीचे लिखना है, तो यहाँ पे फोर लिखोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, वन, फिर से डिविजिबल हो सकता है, तो टू से करोगे, फिर टू टू जा फोर, रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो, कोई इशू, फिर टू से डिवाइड करोगे, टू वन जा, तो कोसेंट को नीचे लिखते हैं, रिमाइंडर को सामने लिखते हैं, कोई इशू, अब ये क्या होगा आपको, वन डबल जीरो वन, कोई इशू, ऐसे कन्वर्ट। तो अब एक काम करो, मुझे बताओ कि राइट शिफ्ट का क्या होगा आंसर, मैं लिख दे रहा हूं, यदि मान लो एक्स इक्वल्स टू, सपोज एक्स इक्वल्स टू सिक्स है ना, तो मुझे बताओ कि जेड इक्वल्स टू एक्स राइट शिफ्ट का, मैं लेफ्ट शिफ्ट नहीं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, राइट शिफ्ट का क्या होगा, अभी जो मैंने बताया था लेफ्ट शिफ्ट था, अभी मैं ये भी लेफ्ट शिफ्ट ही एक्चुअली, ये भी इसको चेंज करना होगा हमें, राइट शिफ्ट मतलब ऐसा, एक मिनट जस्ट वन, ये राइट शिफ्ट है आपका, ये आपका राइट शिफ्ट, कितना होगा वैल्यू, कोई ट्राई कीजिए, थ्री होगा, ठीक है, और कोई, तो देखिए ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट है, y y का वैल्यू मैंने अभी कितना रखा था, चलो मैं इसको 6 कर देता हूँ, वही था ना, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, कितना आएगा, 3, कैसे आएगा 3, कोई आइडिया किसी को, यहाँ पे ध्यान रखना, सिंपल फॉर्मूला मैंने क्या हुआ, जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो उसका 2 के मल्टीपल में वो क्या हुआ, 2^n के फॉर्म में उसका मल्टीप्लाई होता है, जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, सॉरी राइट शिफ्ट करते हैं तो उससे डिवाइड होता है, अंतर ये याद रखो, कोई दिक्कत, ठीक याद रखोगे, मैं लिख देता हूं यहां पे, फिर से देखो कि इन कलर में चेंज करके बताता हूं, इन लेफ्ट शिफ्ट यहां लिख सकते हो आप, इन लेफ्ट शिफ्ट क्या होगा, जो भी वैल्यू है आपका x, x मल्टीप्लाई किससे होता है, 2^n से, वेयर n इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ बिट्स ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसमें, याद रहेगा सबको, नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कितने लोग जानते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, आपने सुना होगा
एक होता है x प्लस प्लस और एक होता है x प्लस प्लस x और एक क्या होता है और एक क्या होता है x ये कहां पर आया आप लोग तो इसको क्या कहते हैं बताओ जब हम किसी भी ऑपरेंड के बाद प्लस प्लस लिखते हैं या माइनस माइनस का मतलब क्या होता है इसको पोस्ट बोलते हैं है ना और यदि हम उसको पहले लिखते हैं तो वो क्या होता है आपका प्रीफिक्स क्लियर है तो बाद में लिखेंगे तो पोस्टफिक्स पहले लिखेंगे तो प्रीफिक्स अब उसमें भी है यदि इंक्रीमेंट करने वाला है तो क्या होगा पोस्ट इंक्रीमेंट है ना ठीक है बच्चों तो देखिए अब इसमें हम क्या करने वाले हैं अब मुझे बताओ x इक्वल टू मेरा 5 है ना और मैं यहां पे x प्लस पर लिखूं तो क्या होगा बताइए यदि मैं x प्लस पर लिखता हूं तो क्या होगा रिजल्ट z का वैल्यू कितना होगा 5 और उसके बाद में फिर से यहां पे लिखता हूं मैं इस तरह से डॉक्यूमेंट सपोज इसको मैं फिर से कॉपी करके लिख देता हूं ठीक है और यहां पे मैं मान लो ऐसे लिख देता हूं इसको और यहां पे मैं x लिख देता हूं तो बताओ अब क्या होगा रिजल्ट 5 चलो देखते हैं सेव करते हैं और रिजल्ट को देखते हैं 5 है और 6 है आप चाहो तो बीच में ब्रेक ऑप्शन या फिर स्लैशर कर सकते हो हाँ तो बताइए यहाँ पे क्या 5 और 6 मतलब 56 नहीं है एक्चुअली वो अलग अलग है ऐसे भी आप कर सकते हो जस्ट वन ईयर जैसे वन ईयर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो स्पेस में देता हूँ ठीक है अब देखो नहीं होगा बीआर ही देना पड़ेगा इसलिए कि वो जो है क्योंकि जब उसमें जाएगा ब्राउजर पे तो वो उस पी आर को एग्जीक्यूट करेगा ना तो एज अ लाइन ब्रेक करने वाला है तो हम क्या करेंगे इस पे बी आर डबल कोट के अंदर बी आर दे देंगे है ना ठीक है 5 और 6 आया बच्चों अब 5 क्या है तो हुआ कैसे बताओगे कोई एनी आइडिया तो सबसे पहले x x बना होगा x में वैल्यू कितना है बताओ 5 और एक जेड भी वेरिएबल हमारे पास है सबसे पहले देखो पोस्ट इंक्रीमेंट ये क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट इसका मतलब है कि पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट करना है पहले जो काम है वो परफॉर्म करो तो ये बताओ प्लस प्लस नहीं होता तो काम क्या था प्लस प्लस को भूल जाओ बताओ तो काम क्या था असाइनमेंट वाला काम था असाइनमेंट ही करना था ना कि एक्स का वैल्यू वाई जेड में असाइन करना है तो एक्स का वैल्यू जेड में असाइन करेगा वो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले जो आपका मेन काम था वो परफॉर्म कर लीजिए देन वैल्यू देन ऑपरेंड के वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कीजिए तो देखो अभी एक्स का वैल्यू क्या है 5 है वो पहला काम कंप्लीट कर लेगा पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले काम कंप्लीट करेगा यानी जेड में भी कितना चला जाएगा 5 एंड देन काम खत्म अब जब वो उस लाइन से मतलब ये काम कंप्लीट करके जैसे ही बाहर आएगा देन इट विल इंक्रीमेंट इस वैल्यू तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा खुद का वैल्यू वो 5 से अब 6 कर लेगा कोई इशू और इसीलिए आप देखते हो जब मैंने जेड को प्रिंट किया तो 5 रिजल्ट आया और एक्स को किया है तो क्या आया बताइए 6 आया ना कोई दिक्कत सेम यदि मैं इसमें एक कुछ और चेंज करता हूं जैसे मान लो मैं इसमें चेंज करता हूं कुछ इस तरह से
था आप बताओ मुझे क्या होगा, अब सेव करने का रिजल्ट कितना होगा, 6, क्यों? ये जो है प्री इंक्रीमेंट है, क्या है ये, प्लस प्लस यदि पहले है तो उसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, प्री इंक्रीमेंट इन द सेंस कि पहले जो भी काम करना है वो बाद में करोगे, पहले हमें इंक्रीमेंट कर दो, तो ये कौन कहता है ऑपरेंड, सो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर विल फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1, देन इट विल परफॉर्म द अनदर ऑपरेशन दैट इज असाइंड, तो पहले अपने वैल्यू को वो बढ़ा देगा और तब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो क्या होने वाला है, बताओ मुझे इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या होगा, ये x है मान लो, ये हमारा z है, x में कितना है 5, z में कितना है कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले तो ये इंक्रीमेंट वैल्यू अपना इंक्रीमेंट करेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 6, और जो भी वैल्यू अब उसके पास x के पास क्या है, अब x के पास क्या है 6 है ना, उसे वो उसमें असाइन करेगा तो z का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 6, इसीलिए देखो z का वैल्यू भी 6 आया है और x का वैल्यू भी 6 आया है, कोई इशू। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करते हैं तो डिक्रीमेंट की बात करते हैं, तो डिक्रीमेंट में मान लो क्या होगा, सेम यहाँ भी ऐसे होने वाला है, क्या क्या होगा बताओ मुझे, अब यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये हमारा x है, ये हमारा z है, अब बताओ यहाँ पे चूंकि प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री डिक्रीमेंट मतलब पहले डिक्रीमेंट करना है, तो x का वैल्यू है क्या पहले से 5, डिक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा 4, एंड देन 4, अब देखो फिर क्या होगा, डिक्रीमेंट कर लिया, अब x में कितना है 4 है, अब जो भी है वो असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो कितना, z में भी वो 4 दे देगा, यही रिजल्ट आना चाहिए, चलो देखते हैं रिजल्ट सेम है क्या, आया ना 4, कोई डाउट किसी को भी, चलिए इतना डाउट नहीं है तो एक हम और भी देखते हैं, पोस्ट क्या देखते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट देखते हैं, अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा, अब जब हम ऐसे करेंगे ना तो क्या होने वाला है, देखो ये x हो गया, ये z हो गया, x में कितना है 5 है, z में अभी कुछ नहीं, तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले जो है, ध्यान से जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं, जो सेंटेंस को अच्छे से कॉल कर लो, ये हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है, कि प्री का मतलब होता है पहले, मतलब पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना है कर दो, देन आप मेन टास्क परफॉर्म करो, पोस्ट का मतलब होता है पहले जो मेन काम है आप कंप्लीट कर लीजिए, देन जैसे एग्जांपल के लिए देखो, कोई इवेंट है आपके घर में, गेस्ट इनवाइट किए हो, पहले गेस्ट को खिलाओगे तभी कोई काम करोगे, तो मेन काम आपको क्या है बताइए, होस्ट करना, होस्ट कर रहे हो, तो होस्टिंग मतलब क्या, आपको खाना है, भूख लगी हुई है, लेकिन खाओगे तो नहीं खाओगे, क्योंकि मेन काम आपको गेस्ट को हैंडल करना है, तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट, उस केस में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, भूख लगी है तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट, गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पहले खाओ फिर पहले मेन काम करो, फिर देखना है क्या करना है, वेट रुकना है या नहीं रुकना है, सो दैट इज कॉल्ड वहां पे प्री हो गया ना, तो इस तरह से मैटर करता है, समझ में आया, इसका वैल्यू कितना होगा, तो x पहले अपने काम परफॉर्म करेगा, यानी यदि में भी 5 दे दिया, एंड देन अपने वैल्यू को डिक्रीज कर लेगा, सो आई होप द आंसर इज व्हाट, कोई डाउट है, इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूं ना, जो मोस्टली एग्जाम्स होते हैं जो आपके प्लेसमेंट पेपर या सोचे होंगे, तो वहां पे कम समय ज्यादा क्वेश्चन होता है सॉल्व करना, तो वहां पे ये सब चीजें जो है यही चीजें पूछी है, मोस्ट ऑफ द चीजें यही पूछी है, खासकर बिटवाइज ऑपरेटर से क्वेश्चन होंगे, शिफ्ट ऑपरेटर से होंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत सारे होते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, और कोई डाउट किसी को, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे, क्या देखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे, एक कंडीशनल ऑपरेटर भी होता है, याद है, एक कंडीशनल ऑपरेटर भी होता है, उसको मैं बता देता हूँ, देखो हाँ, तो कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग देखते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ ऐसे x, x less than y, पहले कंडीशन होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा बच्चों, फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, फिर मान लो होगा ये
x कॉलन y ऐसे। अब ये कैसे काम करता है बताओगे कोई? कंडीशन पे डिपेंड करता है। यदि कंडीशन देखो ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो है वो वैल्यू वन है, उसके बाद वैल्यू टू कहते हैं उसको, एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है आपका, यदि इस कंडीशन का वैल्यू ट्रू होगा तो जस्ट वैल्यू वन रिटर्न करने वाले एक्स रिटर्न करने वाला है। यदि वैल्यू क्या होगा, अब कंडीशन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, सेम है या क्या है, कंडीशन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। कंडीशन बस ट्रू होना चाहिए, कुछ भी वैल्यू से मतलब नहीं है। यदि कंडीशन ट्रू है इट मीन्स इट विल रिटर्न वैल्यू वन, यदि कंडीशन फॉल्स है इट विल रिटर्न वैल्यू टू। समझ क्या होने वाला जेड में? जेड में कितना होगा वैल्यू? फाइव हो जाएगा। चलो ठीक है, और इसको मैं चेंज कर दूं तो क्या होगा? देखो समझ में आया इश्यू कंडीशन। अब इसके हेल्प से भी बहुत सारा काम परफॉर्म कर सकते, जैसे आपने एक कभी एग्जाम में पूछता है आपसे कि राइट के प्रोग्राम टू फाइंड इट ऑड इवन विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी क्यों बोलते हैं? यहाँ पे तीन ऑपरेंट चाहिए, देखो एक ये ऑपरेंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेंट। चलिए ऑपरेटर को और भी पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे एक होता है आपका यूनरी बाइनरी टर्नरी। यूनरी मतलब जो एक ऑपरेंट, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया आपका, निगेटिव किसी को करना है वो सब क्या हो गया आपके यूनरी हो गया। दो के बीच में जो काम कर, जैसे प्लस हो गया माइनस हो गया, तो माइनस दोनों में आता है आपके, माइनस आपका यूनरी में भी आता है और बाइनरी में भी आता है। जैसे प्लस के लिए आपको दो नंबर चाहिए ना हमेशा, तो बाइनरी ऑपरेटर हो गया। ठीक है, जहां पे तीन तीन, जैसे ये आपका क्या हो गया? टर्नरी ऑपरेटर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चों? तो अगले क्लास में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें इफ एल्स और स्विच केस देखेंगे आप। कोई दिक्कत? ओके बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है किसी को? ठीक है बच्चों, तो फिर